नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम सीखेंगे सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ करना। सप्लाई और डिमांड जोन अगर आप ड्रॉ करना सीख गए तो समझिए ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस से 100 times बेहतर है। सप्लाई और डिमांड जोन जो होता है इंस्टीट्यूशनल जो बड़े प्लेयर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनका बाइंग और सेलिंग जोन होता है। तो सप्लाई और डिमांड सिखाने के कई लोग 50,000 चार्ज करते हैं। यहाँ पर हम इजी वे में आपको सप्लाई और डिमांड सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे देखिए बैंक निफ्टी आज का ये चार्ट है, आज बहुत ही अच्छा यहाँ पर मार्केट साइडवेज था और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से आप सप्लाई और डिमांड जोन को देख सकते हैं। मैंने ये चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव मार्केट में शेयर किया था। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई और डिमांड एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहाँ से जो डिमांड जोन होता है, जहाँ से यहाँ पर बायर्स आते हैं। सप्लाई जोन होता है जहाँ पर सेलर मौजूद होते हैं। तो जैसे प्राइस यहाँ पर सप्लाई जोन में आता है तो यहाँ पर सेलर जो वहाँ पर हावी हो जाते हैं और यहाँ ज़्यादा सेलर होते हैं जिससे प्राइस को वो फिर से नीचे आते ले आते हैं। जैसे यहाँ डिमांड जोन में आता है, यहाँ से बाइंग आता है और यहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे वो एग्रेसिव रूप से यहाँ पर बाय करते हैं तो प्राइस फिर से ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए हमने डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ किया है तो नीचे डिमांड जोन है। तो यहाँ पर देखिए कई बार प्राइस आया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना बार प्राइस आया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम्स हो गया, फिर यहाँ पर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, देखिए यहाँ पर 4 times, तो 4 प्राइस यहाँ पर आया है डिमांड जोन के पास। फिर यहाँ पर देखिए सप्लाई जोन, एक बार तो प्राइस यहाँ पर आज पहले ओपन हुआ, वहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे आया। फिर यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से गया फर्स्ट टाइम्स, फिर यहाँ सेकेंड टाइम्स, यहाँ थर्ड टाइम्स, यहाँ 4 times। तब 4 times जो है प्राइस सप्लाई जोन के पास गया और 4 times डिमांड जोन के पास आया। अब देखिए इसको ड्रॉ आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल बेसिक में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ से सप्लाई में यहाँ पर जहाँ से हायर लेवल से प्राइस जहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो देखिए ये जो रेंज है यही रेंज यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आया है। तो ये इस बार प्राइस आया था थोड़ा इससे नीचे ही रहा, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे रहा, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे रहा। तो सबसे ऊपरी जो लेवल है सप्लाई का ये यहाँ पे है। तो ये सारा कैंडल है, तो इस रेंज को हम ड्रॉ करते हैं। इस रेंज को मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए ये रेंज है, ये रेंज जिससे यहाँ पर मतलब सप्लाई आया, मतलब यहाँ से रिजेक्ट हुआ वापस नीचे आ गया। तो ये रीजन था, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी प्राइस इसको टच किया, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे टच किया, वापस आ गया। फिर यहाँ पर आप डिमांड जोन जैसे ड्रॉ करते हैं तो देखिए जिस कैंडल से ये रिवर्सल दिखा हो, जैसे ये कैंडल है, देखिए ये कैंडल यहाँ पर रिवर्सल दिखाया है। तो इस कैंडल को आप पूरा ले लीजिए, यहाँ पर हम वापस इसको ले लेते हैं। देखिए ये ले लिया मैंने, तो देखिए यहाँ पर बार बार यहाँ पर भी डिमांड पे आया, वापस चला गया ऊपर, यहाँ पे आया वापस ऊपर, यहाँ पे भी लगभग इसके आसपास आ चुका है, तो यहाँ से फिर से वापस ऊपर, फिर यहाँ पे भी आया, फिर वापस सप्लाई जोन की तरफ चला गया। तो इस तरह से आप सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। चलिए दूसरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं पॉलीकैब डेली चार्ट है पॉलीकैब का। तो देखिए पॉलीकैब में हम डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कोई भी कैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से रिवर्सल हो। तो देखिए ये कैंडल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ये हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर रिवर्सल हुआ है, ये कैंडल का लेंथ है, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम इधर एक्सटेंड कर देते हैं, इधर मैंने कर दिया, फिर इधर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर डिमांड जोन पे यहाँ पाया प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पाया वापस चला गया, यहाँ पाया वापस चला गया, यहाँ पे भी प्राइस ऊपर गया लेकिन फिर से वापस आया, फिर यहाँ पर आया वापस चला गया। देखिए कितना बार, 1 times, 2 times, 3 times, यहाँ पर 4 times, लगभग 4 या उससे अधिक प्राइस यहाँ पर डिमांड जोन पे आया है और वापस चला गया। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में इसको ड्रॉ करते, एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ करते तो कभी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता, कभी इसके ऊपर से प्राइस चला जाता। इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अच्छा है कि सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करें। जैसे प्राइस यहां पर डिमांड जोन पे आया, यहां पर बायर्स आएगा, जैसे रिवर्सल दिखता है तो आप यहां पर अपना पोजीशन ले सकते हैं। फिर यहां पर देखिए सप्लाई जोन हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे जो हायर लेवल से प्राइस यहाँ पर सप्लाई जो हुआ है, मतलब यहाँ पर जो सप्लाई आया है इसके शेयर का, तो ये है, और इसका जो रिवर्सल कैंडल है ये हमारा रेड कैंडल है।
इस रेड कैंडल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस पूरा कैंडल को हम ले लेते हैं, फिर इसको इधर एक्सटेंड कर देंगे, फिर इसको हम इधर एक्सटेंड कर देंगे। तो ये रिवर्सल वाला जो रेड कैंडल था इसको मैंने पूरा कवर कर लिया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया लगभग ये सप्लाई जोन के पास आया, यहाँ से वापस नीचे गिरा, यहाँ पर फिर आया सप्लाई जोन को टच किया, वापस चलाया प्राइस नीचे, फिर देखिए यहाँ पर तो नहीं आया, फिर यहाँ पर देखिए सप्लाई जोन के आसपास आया प्राइस नीचे आ गया, यहाँ वो पूरी तरह सप्लाई जोन के पास आया प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर सप्लाई जोन के पास आया यहाँ से प्राइस धीरे धीरे रिजेक्ट हो रहा है। तो कभी एक टाइम से ऐसा भी होगा कि प्राइस इसको वो ब्रेक करके ऊपर भी चला जाएगा या इसको ब्रेक करके नीचे भी आ जाएगा, तो लेकिन ज़्यादातर टाइम्स जो होता है वो सप्लाई जोन के पास आता है प्राइस नीचे आता है। तो जैसे यहाँ पर रिवर्सल दिखेगा, जैसे ये यहाँ पर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है 2545 के, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और ये आपका टारगेट होगा जो डिमांड जोन है। उसी तरह से देखिए आपको हम दिखाएं चार्ट, ये 19 अप्रैल का चार्ट है निफ्टी का, तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ये देखिए डिमांड जोन था और ये सप्लाई जोन था, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ और फिर देखिए यहाँ पर सप्लाई जोन के पास आया रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर सप्लाई जोन के पास आया रिजेक्ट हुआ। तो इसी कैंडल को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर ये सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, फिर ये डिमांड जोन है, जैसे इस कैंडल को सेलेक्ट करके मैंने ड्रॉ किया, किसी भी कैंडल को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस आया, इसको टच किया, वापस चला गया ऊपर, यहाँ पर बाइंग प्रेशर जैसे आया डिमांड जोन पे, वापस प्राइस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आया डिमांड जोन को टच किया और फिर वापस चला गया, फिर यहाँ पर आया अब की बार ये डिमांड जोन को ब्रेक करके प्राइस जो है लगातार नीचे चला गया। तो जैसे यहाँ पर डिमांड जोन के पास यहाँ पर प्राइस आया, तो इस बार डिमांड जोन को ये ब्रेक कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्राइस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ था, तो जब तक यहाँ पर रिवर्सल ना होता तब तक हम यहाँ पर बाइंग ट्रेड लेते नहीं। यहाँ तो ये पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस डिमांड जोन को ब्रेक करता हुआ प्राइस नीचे चला गया। तो कुछ इस तरह से आप डिमांड और सप्लाई जोन को ट्रेड कर सकते हैं। जब भी रिवर्सल दिखे सप्लाई जोन से आप यहां पर सेल ट्रेड लेंगे, जब भी डिमांड जोन से यहां पर रिवर्सल दिखे आप बाय ट्रेड लेंगे। जैसे देखिए यहां पर क्रिसिल लिमिटेड काफ़ी बेहतरीन चार्ट है और यहां पर देखिए हमने सप्लाई जोन ड्रॉ किया है, ये डिमांड जोन है, तो देखिए डिमांड जोन पर प्राइस आया वापस ऊपर गया, फिर आया वापस ऊपर चला गया प्राइस, फिर आया वापस ऊपर चला गया, देखिए 3 times टच किया है, फिर यहाँ पर देखिए सप्लाई जोन को लगभग यहाँ पर टच किया वापस प्राइस नीचे आया सप्लाई जोन से, फिर यहाँ पर प्राइस सप्लाई जोन को टच किया वापस नीचे, और देखिए कितना ब्यूटीफुल रूप से यहाँ पर फिर से ये सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर प्राइस यहाँ पर वापस नीचे फॉल कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर प्राइस यहाँ पर रिवर्सल हुआ, इस नेक लाइन को ब्रेक किया, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाया था इस रेंज को यहाँ पर जैसे ब्रेक किया, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, पिछले दिन ही आप इसमें ट्रेड लेते, और जब तक रिवर्सल ना दिखे या तो यहाँ पर डिमांड जोन के पास पहुँच जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या कहीं रिवर्सल दिखे तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सप्लाई जोन से ये रिजेक्ट हुआ तो डिमांड जोन तक आएगा ही आएगा, आएगा तो ठीक, नहीं तो जहाँ पर रिवर्सल दिख जाए आपको वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो कुछ इस तरह से सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।